फिटनेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आखिरकार महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग गया। वर्ड जो दिया गया था लॉकडाउन का, वो लॉकडाउन वर्ड ना होकर चेन को तोड़ने की बात की जा रही है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार ने काफ़ी देर कर दी है? 60 के मामले एक दिन में आ रहे हैं और इसका इनिशिएशन तो काफ़ी पहले ही कर देना चाहिए था। लगातार जिस तरीके से कोविड का प्रकोप बढ़ा हुआ है और अभी भी रेड अलर्ट की जो घटनाएं हैं वो अभी भी लगातार वन बाय वन आप देखिए तो 10 फरवरी से लेकर 26 मई तक का रेड अलर्ट था, जिसको 3 जून तक मैंने एक्सटेंड किया था, वो लगातार बढ़ ही रहा है, ये कम नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर एक सीरियस कैलकुलेशन बनता है, क्योंकि ये कोविड जो है एक नए स्ट्रेन के तरीके से फैल रहा है और इस बार का जो कोविड का लहर है वो पहले से ज़्यादा खतरनाक हो रहा है। मेरे भी जो साथ पड़े हुए लोग हैं, जो डॉक्टर बने हुए हैं, अच्छे एम्स में भी वो काम करते हैं और काफ़ी प्रतिष्ठित जगह पर वो काम करते हैं, उनसे भी मेरी फ़ोन पे वार्तालाप हुई तो उनका भी ये कहना था कि ये कोविड का जो केसेस है ये फेफड़ों को 5 दिनों के अंदर बहुत तेज़ी से संक्रमित कर दे रहा है। ये पहले वाला स्ट्रेन नहीं है, ये सेकेंड स्ट्रेन है, इसको कोरोना का सेकेंड वेव कह लीजिए, दिल्ली में तो चौथा वेव ये है। तो इस तरीके से अब मुंबई, जबकि ये पूरे तरीके से बंद हो चुकी है, आर्थिक राजनीति जो पूरे तरीके से बंद हो चुकी है, अब इसका आगे प्रभाव क्या होगा आइए हम समझते हैं। देखिए, मेदिनी एस्ट्रोलॉजी में अभी भी जो मैंने कल बैठ के रिसर्च किया है, मेदिनी एस्ट्रोलॉजी में ये अभी भी इंडिकेट कर रहा है कि सूर्य का लगन, सूर्य का उच्च का होना, क्योंकि आज ही एक ऐसी घटना घटित होने वाली है जो काफ़ी दिन के बाद ऐसा होगा कि राजा भी और सेनापति दोनों ही अपने राशि को परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य का जहां पर राशि परिवर्तन होगा और सूर्य उच्च के हो जाएंगे, और जहां पर मंगल अपना राशि परिवर्तन करके अपने परम शत्रु बुध के घर में जाएंगे, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें तो डेफिनेटली क्लियर हो रही है। और इसको मैंने एक विधाओं से नहीं चेक किया है, इसको मैंने मेदिनी एस्ट्रोलॉजी से भी चेक किया है और यहाँ पर अपडेट करने के लिए आया हूँ। पहली प्रिडिक्शन, लॉकडाउन कई राज्यों में और भी बढ़ने वाला है, जिसका अगला नंबर या तो गुजरात का होगा या कर्नाटका का होगा। ये दो राज्य हैं जिसमें लॉकडाउन जल्द ही आप देखिएगा पाया जाएगा, और इसके बाद ये दिल्ली में लॉकडाउन की संभावनाएं से आप इनकार नहीं कर सकते हैं, साथ में उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन हो सकता है। तो ये 4-5 राज्य हैं जिसमें लॉकडाउन का असर आपको कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगा। अप्रैल के एंड से पहले निश्चित रूप से यहाँ पर ऐसा देखने को मिलेगा। दूसरी बात है कि यहाँ पर क्योंकि ये बीमारी जो है वो ऑलरेडी, हमारे यूज़र पूछ रहा है यूपी में लॉकडाउन लगेगा, तो यूपी में लॉकडाउन के लगने की संभावना पूरी है, और ये लॉकडाउन जो रहेगा 25 अप्रैल से लेकर 1 मई के बीच में, आप पांचों राज्यों में एक प्रकार से देखिएगा, पूरे भारत में लॉकडाउन नहीं लगेगा, ये भी मैं बता देता हूँ, पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन नहीं लगेगा, केवल 4-5 प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर लगेगा, जिसमें मुंबई में तो लगना ही था। ऑलरेडी पहले भी बताया था, मुंबई वाले सावधान हो जाएं, वहाँ पे लॉकडाउन लगेगा, तो लॉकडाउन लगने की संभावना है। उत्तराखंड की बात किया जाए, उत्तराखंड के लिए भी पूछना है, तो उत्तराखंड में लॉकडाउन की स्थिति अभी नहीं बनेगी, लेकिन बाकी जगह देखा जाए तो वहाँ पर लॉकडाउन ज़रूर रहेगा। अब बात करते हैं कि ये कोरोना का जो केसेस है, हालांकि इस चीज़ के लिए मैं आप सभी से भी क्षमा मांगता हूं, और अभी तक इस पर सत्यता नहीं हो पाई, इतने रिसर्च करने के बाद भी सत्यता नहीं हो पाई है, लेकिन क्या हमें प्रेडिक्शन करना बंद कर देना चाहिए? मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं, मैं अपना कैलकुलेशन करता रहूंगा, और जब तक मुझे, क्योंकि देखिए हर चीज़ में सफलता मिले ये ज़रूरी नहीं है,
हर प्रोडिक्शन सफल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, और एक भी एस्ट्रोलॉजर बताई जिसकी सारी प्रोडिक्शन सही हो। तो हमें जो प्रोडिक्शन गलत हो रहा है उसको एज अ चैलेंज लेना चाहिए हम एस्ट्रोलॉजर्स को, जिसमें कोरोना पर अभी तक किसी का प्रोडिक्शन सत्य नहीं हुआ है। तो कोरोना पर मेरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट अभी भी जारी है और मैं अभी भी उसी बात को लेकर आया हूँ। 3 जून तक, भले ही उद्धव सरकार जी ने 1 मई तक का टाइम दिया हुआ है, 3 जून तक आप नोट कर लीजिए, 3 जून तक ये लॉकडाउन लगा रहेगा, इसको एक्सटेंड किया जाएगा और ये अभी कम नहीं होने वाला है। और इसी बीच में शेयर मार्केट में भी कुछ गिरावट आएगा, जो कि कुछ दिन पहले आया भी था और कुछ अभी रिकवर हुआ है मार्केट, लेकिन एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर वो मार्केट नीचे गिर के आता है तो बाई करने की सलाह उस समय मैं दूंगा। लेकिन ये जो 2 प्रिडिक्शन मैं आज के वीडियो में दे रहा हूँ, पहला महाराष्ट्र समेत 4 राज्यों में लॉकडाउन लगेगा, ये कन्फर्म है, और ये भी 30 अप्रैल से पहले पहले लग जाएगा। और दूसरी प्रिडिक्शन है कि ये जिन राज्यों में इसका प्रतिबंध लगेगा, ये 3 जून से पहले ये महाराष्ट्र में या बाकी राज्यों में इसका प्रकोप कम नहीं होगा, और कोरोना की अभी कम से कम 2 लहरें आने बची हैं। बाकी लोगों ने तो 1 लहर की बात की है, मैं अभी भी 2 लहर का आता हुआ देख रहा हूँ, और ये लहर जितनी तेज़ी से फैल रही है उतनी ही तेज़ी से आने वाले समय में कम होगी। इसलिए टीकाकरण, जिनका टाइम, जिनका एज हो चुका है, वो टीकाकरण ज़रूर करवाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दिया हुआ है उसको भी ज़रूर आपको पालन करना चाहिए। तो ये 2 मेजर प्रोडिक्शन था जिससे कि जिसको मैं यहाँ पर अपडेट किया हूँ, और बाकी आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम्स ना हूँ, नमः शिवाय।